माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जिस प्रकार से घोषणा की और जितने उन्होंने जिस स्वर में ये घोषणा की कि नालंदा विश्वविद्यालय को हम पुनर्स्थापना को समर्थित करते हैं, साथ में हम सारे क्षेत्र के लिए उन्होंने जो विकास की बात कही कि इसके द्वारा राजगीर का विकास किया जाएगा, इस क्षेत्र में नालंदा और एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने जो कॉरिडोर की बात कही जो कि गया जी में है, तो उससे लगा कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर के लिए जो सोचा था वो बहुत ही, मैं सोचता हूँ, बड़ा सप्रेम, बहुत एक बड़े ही भाव के साथ सोचा था, और जिसका उन्होंने अपने बहुत ही एक उत्कृष्ट व्याख्यान में उन्होंने इस नालंदा परिसर के उद्घाटन के वक्त में जो भावनाएं व्यक्त की थी वो सच में उनकी मनोभावना जो थी उन्होंने इस बजट के द्वारा उसको पुष्टि किया, पूर्ति करी है। हम बहुत ज्यादा आभारी हैं और हम बहुत आभारी हैं यहाँ साथ ही साथ राज्य सरकार की माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी ने भी उस दिन बहुत अच्छे भावपूर्ण उससे जिस सद्भाव को व्यक्त किया था और जिस प्रकार से उन्होंने उनकी सद्भावना नालंदा विश्वविद्यालय के लिए थी। जब ऐसा होता है, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो हम फिर तो नालंदा है, वो तो अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हम यहाँ सेवारत हैं, जो लोग भी नालंदा के लिए यहाँ पर समर्पित हैं। हम सोचते हैं कि इससे बड़ा आशीर्वाद हमको क्या हो सकता है, सौभाग्य है हमारा। हम अपने दायित्व के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इस विश्वविद्यालय में जो लोग भी सेवा प्रदान कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय के हित में हर तरीके से समर्पित होकर कार्य करेंगे और ये उत्कृष्टता जिसकी अपेक्षा की जा रही है वो बहुत शीघ्र ही प्राप्त होगी।